गोरा के शोबिला तकल्फ में मैं आप सबको खुश आमदी कहती हूँ जॉर्डन में अमरीकी आर्मी पर एक हमले के बाद मिडल ईस्ट की बैटल फील्ड की शक्ल काफी गंभीर हो गई है पहले ही हमास स्टाइल जंग यमनी हुतियों के रेड सी पर हमलों और ईरान सीरिया इराक और पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स ने मिडल ईस्ट में जंगी सूरत हाल को गरमा रखा था उधर कनाडा, अमेरिका समेत दर्जनों मुल्कों ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी की फंडिंग को आर्जी तौर पर रोक दिया है ईरान पाकिस्तान के बीच मिसाइलों के हमले के बाद ताल्लुक को नॉर्मल बनाने की खातिर ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा निगरान वजीर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकातें की क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस 8 फरवरी को हो पाएंगे और क्या ये इलेक्शन साफ शफाफ हो सकेंगे ये हैं हमारे आज के मौजूद ताहिर गोरा के शो में जॉर्डन में अमरीकी आर्मी पर एक हमले के बाद मिडल ईस्ट की बैटल फील्ड की शक्ल काफी गंभीर हो गई है जॉर्डन में अमरीकी मिलिट्री बेस पर एक हमले में तीन अमरीकी फौजियों के हलाक होने और तीन दर्जन के करीब फौजियों के जख्मी होने के बाद सूरत हाल काफी पेचीदा हो गई है अमरीका ने ईरान बैक मलेशिया पर इस हमले की जिम्मेदारी डाली है और ईरान का कहना है कि वो इस हमले के पीछे नहीं आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं और इस पर क्या तबसरा करेंगे देखिए ये सूरत हाल वाकई ही काफ़ी गंभीर है और अमरीका की बेस मिडल ईस्ट में बहुत सारी बेसिस है अमेरिका की मिलिट्री बेसिस उनमें से एक बेस जो जॉर्डन में है जिसको टावर ट्वेंटी टू के नाम से शायद जाना जाता है ये बिल्कुल सीरिया के साथ मिली हुई जो बाउंड्री है उसमें है ये इनफैक्ट जॉर्डन के अंदर है इस पे यह अटैक हुआ एक अब तक की खबरों के मुताबिक इराकी मलेशिया का ये पहला अटैक है जब से आ, ये हमास इसराइल की जंग शुरू हुई है जो अमरीकियों पर हुआ है जो बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि अमरीकी बहुत सेंसटिव हैं अपनी किसी भी मिलिट्री बेस पर किसी भी हमले को और ख़ास तौर पर अगर वो उसमें जानी नुकसान हो तो इसमें तीन फौजी आ, हलाक हुए हैं और कुछ चौंतीस के करीब बताया जाता है ज़ख्मी हैं और कुछ तो शीद ज़ख्मी हैं तो अमेरिका के लिए ये मैसेज इस वीकेंड यानी एतवार के रोज़ गुज्त एतवार को एक बहुत ही खौफनाक मैसेज था तो इससे वो रीजन जो है ना वो हिल गया है क्योंकि जाहिर है अमेरिका एक माइट है एक बहुत बड़ी पावर है अगर अमेरिका के फौजी बेस पे हमला होता है तो उसका जवाब भी फिर उसी प्रपोर्शनीट के साथ दुनिया एक्सपेक्ट करती है क्योंकि मुमकिन नहीं है अमरीका के लिए कि वो इसका जवाब ना दे अब वो जवाब किस सूरत में सामने आता है ये हम आने वाले एक दो दिनों में या कुछ दिनों में देखेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि हम अपने मर्जी के वक्त के मुताबिक इसका शदीद जवाब देंगे तो अब ये सूरत हाल इसलिए भी गंभीर है कि ऑलरेडी वहाँ पर आ, हमास इसराइल की वार चल रही है इसराइल के कोई मतलब जब से हमास ने टेररिज्म की थी सात अक्टूबर को आ, उसके बाद इसराइल के बारह सौ लोग भी उस टेररिज्म के नतीजे में मारे गए अब तक कई सौ फौजी मारे जा चुके हैं और फ़लस्ती के तो आ, पच्चीस हजार के करीब लोग मारे जा चुके हैं तो सूरत हाल इतनी टेंस हो गई है कि अब अमरीका के ऊपर जो एक अटैक हुआ है अब अमेरिका कैसे जवाब देता है क्योंकि अमेरिका ने फौरी तौर पर ईरान को इसका जिम्मेदार ठहराया और ईरान ने कहा कि भाई हम आ, इसके पीछे नहीं हैं लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि ईरान बैक्ड मिलिशिया, अब वो कहा जा रहा है कि कोई जहादी ग्रुप है जिसका इराक से ताल्लक़ है उसने किया चूंकि ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं उस उस इलाके में पूरे मिडल ईस्ट में ईरान प्रॉक्सीज़ के मामले में बड़ा एक्सपर्ट समझा जाता है और बड़ा मशहूर है ख़ुद वो डायरेक्ट नहीं आता अभी ईरान और इसराइल आपस में प्रॉक्सीज़ के ज़रिए एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं और वो मतलब इसराइल ने नहीं माना कि हमने हमला किया है ना इनकार किया तो अब ये जो सिचुएशन है इस पर ईरान तो इनकार कर रहा है कि भाई हम इसके पीछे नहीं क्योंकि अमेरिका में अब इस बात पे दबाव पड़ गया प्रेसिडेंट बाइडेन पे कि ईरान के अंदर जाके हमला करें अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो मिलिशिया के लोग हमले कर रहे हैं ठीक है ये हमारे दोस्त हैं मगर हमने ये ऑर्डर नहीं किया और भी दुनिया के मुबसरीन कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल मलिशिया हैं इवन होती जो एक सरकार चला रहे हैं यमन में होती हों या हमास हो या हिजबुल्लह हों वो खुद इतने पावरफुल हैं कि ठीक है ईरान की मदद उनको रहती है लेकिन सम टाइम वो डिसीजन ऑन देयर ओन भी करते हैं लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ईरान ने अमेरिका का वाटर टेस्ट करने के लिए ये हरकत करवाई मगर मैं नहीं समझता कि ईरान ऐसा करेगा क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी अमेरिका के वाटर्स टेस्ट किए हुए हैं ईरान को पता है कि ये बहुत ही मुश्किल जंग है ईरान uh, बहरहाल इसके पीछे शायद डायरेक्ट ना हो मगर ये बात तय है कि जिन्होंने हमले किए हैं आ, अभी यू एस आर्मी बेस पे उनको सपोर्ट ज़रूर ईरान की रही है और अब सवाल ये कि अमरीका किसे बदला ले चूँकि वो तो अन नोन जहादी ग्रुप है अमरीका को भी तो कोई टारगेट चाहिए चूँकि इलेक्शन भी इस साल होने हैं सदर बाइडन पर ऑलरेडी उनकी जनता का बहुत दबाव है उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हुई हुई है फिर ये इसराइल की सपोर्ट जिस तरह अमरीका कर रहा है वो भी आ, अरब दुनिया में उस उतना अप्रीशियट उसको नहीं किया जा रहा ख़ास तौर पर आ, कतर हो या आ, दिखावे की हद तक ही सही दूसरी रियासतें हों अंदर से तो वो चाहते है हैं कि इसराइल हमास का ख़ात्मा करे बहुत सारी रियासतें वहाँ की जाती हैं लेकिन ये बड़ी ही पच्चीदा सूरत हाल है और इस पचीदा सूरत हाल में ये जो इंसिडेंट है ये इसमें काफ़ी ये चैलेंजिंग है अब ये अमेरिका को कुछ न कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अमेरिका कुछ ना कुछ ना करे और अपनी आवाम को इलेक्शन के साल में वो सदर बाइडन थोड़ा सा काम डाउन ना कर सकें सिर्फ आवाम का मसला नहीं इंटरनेशनल जेस्चर का भी मसला है कि अगर अमेरिका कुछ नहीं करता तो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका जैसी माइटी पावर की माइटी आर्मी की फिर जो वैल्यू है वो सिफर हो जाती है यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी जो मेरे जहन में आया है अमेरिका की सूरत हाल अफगान वॉर और उसके बाद यूक्रेन की वॉर के बाद बहुत डिफरेंट इस वक्त एज्यूम की जा रही है तो आप क्या समझते हैं कि ये इसका डी फेस होने का और क्या अमरीका के लिए विन और लूज फाइनल आ, विन एंड का ये प्रॉब्लम है या डिप्लोमेटिकली दि, वांट टू तो हैव हाँ सम काइंड ऑफ़ रिजल्ट्स आउट ऑफ इट नहीं डिप्लोमेटिकली तो खैर नहीं है और फाइनल विन और लूज का मामला भी नहीं है ये जो विन और लूज है ये डेली बेसिस पे है ठीक आपने कहा कि अफगानिस्तान से भी अमेरिका को चैलेंज मिला अमेरिका ने भी तय किया हुआ था इराक और अफ़गानिस्तान के बाद अब अपने फौजियों के जो बूट्स हैं ऑन ग्राउंड नहीं उतारेंगे लेकिन जो ऑलरेडी उनकी बेसज मिडल ईस्ट में या दुनिया के और हिस्सों में चल रही हैं वो बेसज़ तो एकदम से ख़त्म नहीं की जा सकती एकदम से क्या उनमें से बहुत सारी तो ख़त्म की ही नहीं जा सकती वहाँ पे उनकी ज़रूरत है उन देशों ने कहा हुआ है कि भाई आप अपनी बेसें यहाँ पे कायम रखें तो इस सारी सूरत हाल में अब ये जो अटैक हुआ अमेरिका की बेस पे जॉर्डन के अंदर ये सिर्फ अमेरिका के लिए मसला भी नहीं है ये जॉर्डन के लिए भी मसला है क्योंकि जॉर्डन ऑफ कोर्स एक सॉवेन कंट्री है एक बड़ा मुल्क है आ, वो कोई ग़ज़ा की तरह का छोटा सा कोई एक ढांचा तो नहीं है वो एक बाकायदा मुल्क है तो जॉर्डन के लिए भी एक परेशानी है कि भाई ये क्या हो गया कि अगर ये ईरान ने किया है या करवाया है तो ये हम हमारी हदूद में कैसे दाखिल हो गए अच्छा ईरान तो कह रहा हमने नहीं करवाया फिर सवाल यह है कि ईरान तो चलिए फिर एक देश है अगर ये किसी लोकल छोटे मोटे जहादी टोले ने किया जैसा कि इराकी एक इस्लामिक जहादी टोला है जिस जिसपे शक किया जा रहा है तो अगर उन्होंने किया तो वो तो फिर एक कंट्री भी नहीं है यानी वो अगर एक छोटा सा टोला कर सकता है अभी भी अमेरिका ये नहीं कह रहा कि उनके ईरान के इशारे पे किया है अमरीका यह कह रहा है कि ईरान बैक्ट अब रिपब्लिकन पार्टी के सैनटर्स ने एक ने तो ख़ास पर कह दिया कि भाई अब अमेरिका को ईरान के अंदर जाके अटैक कर देना चाहिए ये नहीं बाकायदा जंग शुरू कर देनी चाहिए तो ये जंग ना ईरान एफोर्ड करता है और अमेरिका भी अफोर्ड नहीं करता ठीक है ईरान की इकानमी का भी मसला है छोटा मुल्क है आ, अपने तल्लक वरबों के साथ इस वक्त रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है उधर हमास और उसकी लड़ाई भी चल रही है ईरान का पूरी दुनिया को पता है कि ईरान हमास के भी पीछे है हिजबुल्ला के भी पीछे है लेकिन इस जंग में अभी तक हमास की कोई अपरनली मदद ईरान नहीं कर रहा चूंकि ईरान अफोर्ड नहीं करता कॉन्फ्रेंटेशन में इतना आगे जाने को लेकिन अमरीका भी इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद अफोर्ड नहीं करता कि वो अभी वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने दो साल पहले जान छुड़ाई है अफगानिस्तान से Uh, उससे पहले इराक से तो अब वो ये अफोर्ड नहीं करते कि डायरेक्ट जंग लड़ें क्योंकि ऑलरेडी अमरीका uh, जैसा आपने यूक्रेन का जिक्र किया यूक्रेन के भी पीछे है ओपनली uh, पीछे है फिर अमरीका uh, इनके पीछे है इसराइल के पीछे है तो एकदम से अमरीका को जंग में ड्रैग कर लिया जाए मेरा ये ख्याल है कि जिस मलेशिया ने ये कार्रवाई की है वो चाहते हैं कि भाई अमेरिका जंग में डायरेक्ट आए क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस जंगी जहाद के कारोबार में हैं जितने भी वहाँ के मलेशिया हैं तो उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये एक अलग बात है कि अब वो जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर पे जहाँ पे हमला हुआ है वहाँ पे बहुत सारी जहादी क़तों के कैंप्स हैं वो अब खाली कर रहे हैं भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अमरीकी रिटेलिएशन आएगा और बड़ा ख़तरनाक आएगा तो सिचुएशन काफ़ी ये खतरनाक हो गई है तो इस हमले के बाद अमेरिका खामोश भी नहीं बैठ सकता पार्टिसिपेट डायरेक्ट करता है तो उस रीजन में और ये एक्सपेंड होगा जंगी बैटल फील्ड तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन नॉट जस्ट फॉर अमेरिका फॉर अरब नेशंस फॉर ईरान फॉर एवरीबॉडी इन द रीजन सो द होल वर्ल्ड इज बेसिकली एट स्टेक राइट नाउ बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल हु आर एक्चुअली बींग वेरी पुशी टूवर्ड्स वॉर चलिए अब सवाल है पहले ही हमास इसराइल जंग यमनीति के रेड सी पर हमलों और इरान की सीरिया इराक और पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स ने मिडल ईस्ट में जंगी सूरत हाल को गर्मा गर्म कर रखा था अब मलेशिया ग्रोह के अमरीकी बेस पर हमले के बाद अब सूरत हाल जैसा कि आपने पहले भी कहा कि खतरनाक है नाजुक है तो इस पर मज़ीद थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज, हैं देखिए पॉसिबिलिटीज हैं ख़तरनाक हैं एक तो ये है कि ईरान के अंदर जाके अमेरिका को स्ट्राइक करें अगर ऐसा अमेरिका करता है तो ईरान को काबिल कबूल नहीं होगा आफ्टरऑल ईरान भी एक अच्छे खासे साइज का मुल्क है ठीक है उसकी मिलिट्री पावर उस लेवल की तो नहीं है लेकिन ये कौन सी अभी कोई मतलब खुदा खुदाना खस्ता न्यूक्लियर वॉर है तो ईरान कहेगा कि मुझे भी फिर जवाब देना है तो एक तो ये ख़तरनाक सूट है तो दू, दूसरा मुझे यूं लगता है ज़्यादा मुझे जो पॉसिबल नजर आता है कि अमेरिका वो जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं ख़ास पर इराक के अंदर और सीरिया के अंदर उनके ठिकानों पे हमला करेगा अमेरिका ऑलरेडी उनके ठिकानों पे हमले कर रहा था सात अक्टूबर के बाद से अच्छा वो भी अमरीकी बेसिस पे हमले कर रहे थे मगर ये चूंकि अमरीकी तीन मारे जा चुके हैं अब तक की इतला के मुताबिक तीन दर्जन के करीब जख्मी हो चुके हैं तो ये सबसे शदीद हमला है ये अमरीका के लिए बर्दाश्त करना हजम करना पॉसिबल नहीं है अच्छा अब मुझे ज़्यादा लगता है कि ईरान के अंदर शायद हमला करने से ज़्यादा अमरीका उन बेसिस पे हमले करेगा और उन जहादी ग्रुपों में से पहले भी कई ग्रोहों को उनको इन्होंने मारा है अमेरिकन ने अब वो और मारेंगे तो फिर जो सिचुएशन है यमनी होती हो की वो भी बड़ी, बड़ी चैलेंजिंग है क्योंकि यमनी होती एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो एक रियासत के करीब है वो ऐसा नहीं है कि छोट छोटे छोटे कोई ग्रुप्स हैं उनका जब कोई प्रोटेस्ट होता है यमन के अंदर सना उनका कैपिटल है उसमें लाखों लोग होते हैं अब यमनी जो होती हैं वो रेड सी पे हमले करते रहते हैं अमेरिकी जहाज़ों के ऊपर बरतानवी जहाज़ों के ऊपर इवन भारतीय जहाज़ों के ऊपर और इवन चाइना और रशिया को भी कंसर्न्स हैं यमनी होतीयों से यमनी होतीयों का कहना है जी कि पहले ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो जंग इसराइल कर रहा है ये बंद हो तो इसराइल कह रहा है कि वह जंग बंदी नहीं हो सकती इस सारी सूरत हाल में अमरीका अब बहुत वहां पर उसको बहुत कार्रवाइया और बढ़ाना पड़ेगी अमरीका भी हुतियों पर हमले कर रहा है हूती अमरीकियों पर हमले कर रहे हैं तो अब अमरीका हुतियों पर भी हमले करेगा बढ़ाएगा मतलब ऑलरेडी तो कर रहा है फिर वहाँ पर जितने ये जहादी पॉकेट्स हैं उस रीजन में उस पर बमबारी होगी इस बात का भी खतरा है कि कहीं ईरान की सरहद के अंदर घुसखें भी अमरीकी को एक आध अटैक कर सकते हैं अपने इस आ, हमले के बदले के जवाब में तो ये इम्कान वाज हैं मगर सबसे जो हावी इम्कान है वो ये है कि उस रीजन में ये जो जंग की फजा बनी हुई है ये और भड़केगी ये और बात ये है। भी इसके साथ साथ फैलने का भी खतरा पूरे का पूरा वो उस पर लेकिन यहाँ पे तो ये सवाल उठता है कि ये जैसे कि कोर्ट में भी ये बात हुई कि ये जिनोसाइड है या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है तो ये ना तो हो पा सकता है क्योंकि ये बहुत ग्रे एरिया है जिसके अंदर सब कुछ तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए देखिए आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हवाला दिया तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पिछले हफ्ते यही इसराइल से कहा कि भाई आप अपने आप को रोकें किसी पोटेंशियल जीनोसाइड में जाने से पहले जो साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक दरख्वास दे रखी है उस दरखास्त की हेयरिंग की जो पहली रूलिंग आई तो वो ये है लेकिन उस रूलिंग में इसराइल से सीज सीज़फायर का भी नहीं कहा गया उस रूलिंग में ये नहीं कहा गया इसराइल से कि आप अपने आप को डिफेंड ना करें यानी वो रूलिंग ऐसी है जिसको इसराइली भी अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो रूलिंग ऐसी है जिसको फ़लस्ती भी अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं या फलस्तिन के सपोर्टर्स वो ये कह रहे हैं देखिए हमने कहा था कि इसराइल जीनोसाइड कर रहा है तो वो रूलिंग में उन्होंने कहा लेकिन रूलिंग में उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि आप किसी जीनोसाइड को प्रिवेंट करें अब इस रूलिंग पे जो जो फाइनल वर्डिक्ट है वो तो शायद एक दो तीन सालों में आएगा तब तक क्या सूरत हाल होती है लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है कि दोनों अपनी अपनी जगह उसको यूज कर रहे हैं इसराइल कह रहे हैं देखिए ये हमारे हक हाँ में रोलेंगे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का और जिनसाइड सिर्फ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की ही बात भी है जो इसराइल कर रहा है कि भाई हम टेररिज्म से बचने के लिए कर रहे हैं साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें नहीं रोका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसका मतलब हमारे पास अपने आप को डिफेंड करने का राइट है अच्छा उधर वो कह रहे हैं जी कि ये जीनोसाइड हम कह रहे हैं कर रहा है इसराइल तो जीनोसाइड से रोकने की उन्होंने वार्निंग दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो ये दोनों बातें मौजूद हैं चूँकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यू एन ओ का इधारा है तो वो तो कोई ऐसी ही बात करेगा कि डिप्लोमेटिकली इधर भी कुछ बात रख ली जाए उधर भी कुछ बात रख ली जाए चलिए अब आते हैं पिछले दिनों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल के हवाले से रूलिंग देते हुए इसराइल को वार्निंग दी कि वो पोटेंशियल जीनोसाइड की तरफ ना बढ़े इस रूलिंग के अगले रोज इतला यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के हमले के कुछ लोग इसराइल के खिलाफ सात अक्टूबर वाले हमास के दहशत गर्द में हमले में शामिल थे कैनेडा अमरीका समेत दर्जनों मुल्कों ने यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी की फंडिंग को भी बंद कर दिया है ये भी इस पर भी बहुत चर्चा चल रहा है इन दिनों न्यूज़ रिपोर्ट्स पर आप क्या तबसरा करेंगे आप इस पर आप इसको क्या देखते हैं क्या ये हुमें, ग्राउंड्स के ऊपर आप समझते हैं कि ये ठीक फैसला है देखिए बात यह है कि अभी हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे थे एक तरफ तो ये वाक हुआ दूसरा इसी वीकेंड पे, आ, ये एलिगेशन सामने आई कि यूनाइटेड नेशन की ये जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है अंद्रवा इसको बोलते हैं तो इसने इसका कुछ स्टाफ जो है इसके अच्छे खासे नंबर्स हैं। में लोग आ, हमास की टेररिस्ट एक्टिविटी जो सात अक्टूबर की जो दुनिया की हॉरिबल टेररिस्ट एक्टिविटी है सेविजरी के अंदर उसमें फैसिलिटेटर थे शामिल थे ये बड़ी अफसोसनाक और शॉकिंग खबर है कि यूनाइटेड नेशंस के ये लोग शामिल थे अब अब अगर ये खबर यूनाइटेड नेशंस ने इस खबर को तस्लीम किया इन्वेस्टिगेशन खोल दी है और उन्होंने जो अब तक इतलात आई हैं उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ ये बदकस्मी से कुछ लोग जो हमारे वर्कर्स थे इस में जन्सी में वो शामिल थे अभी वो तहकीक और हो रही हैं तो ये सिर्फ कोई इसराइल का एलिगेसन नहीं था ये ख़ुद वेरीफाइड हुआ है एलिगेशन उसके फ़ौर बाद कैनेडा अमरीका यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मुल्कों ने फंडिंग इमिजेटली रोक दी है अब इंड्रवा की जो वो हैं जो उनके ऑफिशल्स हैं वो दुनिया के मीडिया पे चीख चीख के कह रहे हैं हमें भी टेक टीवी को भी आज एक ईमेल रिसीव हुई है उन्हीं के एक प्रमोटर्स की जो वहाँ पे कह रहे हैं कि जी ये ज़्यादती है फलां है डीम है तो आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने लेकिन ये बात तय है कि पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया इनका सुन तो रही है ये जो अंदरवा है इन लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देशों ने फंडिंग बंद कर दी है अब जो आपने पूछा कि क्या ह्यूमैनिटेरियन हुमें, ग्राउंड्स पे क्या अंदरवा की फंडिंग एकदम से जो बंद हुई है बड़े बड़े देशों की जानवर से उससे कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स पे फर्क पड़ेगा डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो जो एजेंसी के अच्छे खासे लोग ह्यूमानिटेरियन वर्क के नाम पे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे टेररिज्म को ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे बल्कि उसको फैसिलिटेट कर रहे थे बल्कि ख़ुद अपने हाथों से कर रहे थे तो उसके बाद उनको सोचना होगा कि ये ये खुद ह्यूमानिटेरियन वर्क की राह में रुकावट बने हैं देखिए जिस तरह हमास वाले आ, जो कहते हैं जी फलस्तिनियों चलिए ह्यूमन शील्ड तो खैर उस तरफ है जो हमास वाले काम कर रहे हैं अब हमास वाले टेररिज्म करके जिस तरह की टेररिज्म उन्होंने सात अक्टूबर को की इसराइल का खौफनाक जो रिटेलिएशन है उसको उन्होंने इनवाइट किया और उससे पच्चीस हजार अब तक फलस्तनी मारे जा चुके हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट आसानी से ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता नज़र नहीं आ रहा तो ये भी इसराइल ने आ, हमास ने ख़ुद इन्वाइट किया अब ये भी हमास के सपोर्टर ने जो अनरवा में घुसे हुए थे और जो उनके साथी हैं उन्होंने भी ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को मज़ीद गहरा कर दिया है लेकिन इशू ये है कि ये ये हो हमास के आ, ये जो दहशतगर्द हों या अनरवा में उसकी दहशतगर्दी के साथी हों इनको शायद इस बात की परवाह नहीं इनके लिए बड़ा ये एक अच्छा होता है कि जितना खून खराबा वहाँ पे होगा जितने लोग मरेंगे उतना ये शोर मचाएंगे कि जी मारे गए लुटे गए हमें बचाएं हमें करें तो इनके लिए तो शोर मचाने का ये एक जरिया होता है क्योंकि इनका जहाज कारोबार है बुनियादी तौर पर कुछ नहीं अब ये देखिए टू स्टेट की बात होती है अमेरिका भी उसकी हमायत में बोलता है इवन इसराइल के बहुत सारे पॉकेट्स टू स्टेट को सपोर्ट करते हैं लेकिन ये जो कारोबार जहाद का कर रहे हैं उनको टू स्टेट वहां पे सूट नहीं करता टू स्टेट बन गई तो उनके मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कैसे आएंगे ये इतना क्रूअल इनका और ब्रूटल किस्म का इनका माइंडसेट है और इनका गेम प्लान है अनबिलीवेबल और जहाद प्योरली सोलली इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है लेकिन जो आम वर्कर है जो जहाद के नाम पे मर रहा है या जो आम शहरी मर रहा है वो इनके कारोबार की भीड़ चढ़ रहा है चलिए वापस आते हैं ईरान पाकिस्तान के बीच मिजाइलों के हमले के बाद तालुकात को नॉर्मल बनाने की खातिर ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा निगरान वजी आजम और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के से मुलाकातें की ईरान पाकिस्तान के बीच होने वाली इस सफ़ारती गुफ्तु को आप किस नज़र से देखते हैं देखिए दो हफ्ते पहले जब ईरान का एक जहाज या जो एयर स्ट्राइक थी मिसाइल की पाकिस्तान की हदूद में हुई थी पर जो जवाबन पाकिस्तान ने की तो एकदम से हालात बड़े बिगड़े फिर दोनों देशों ने हालात को काबू में किया पाकिस्तान की तरफ से अनऑफिशियली या पाकिस्तान का जो मिलट्री का मीडिया उसने कहा जी कि ये ईरान ने ऐसा जो कुछ किया वो इंडिया के एडवाइस पे किया अच्छा जबकि ईरान और पाकिस्तान के हालात कोई चालीस पचास साल से ऑन एंड ऑफ कशीदा चले आ रहे हैं यह कोई नई सूरत हाल नहीं थी नई सूरत हाल ये थी कि कोई जहाज़ आया था ईरान का पहली बार वरना वो ज़मीनी कार्रवाइयाँ तो आम होती रहती थी पाकिस्तान के दौर में और फिर जवाबन पाकिस्तान ने भी एक ज़मीनी कार्रवाई करने के बजाय फिर जहाज़ भेजा तो ये पाकिस्तान की तरफ से भी एक तरह से अनप्रेसिडेंट था इसलिए कि वो बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान के जो पोलिटिकल हालात हैं उसमें जनरल आसम मुनीर के लिए कि वो ईरान से एकदम से इतना बड़ा थप्पड़ खा लें और जवाब न दें वो पहले उनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान आर्मी की पाकिस्तान में नहीं है तो ऐसी कार्रवाई करने से उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन किया लेकिन सफारती तलक भी ख़राब हुए इमिजली जो ईरानी सफ़ी ईरान गए हुए थे उनको पाकिस्तान ने कह दिया कि आप ईरान ही रुकें आप आई ना पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी सवीर थे उनको वापस बुला लिया फिर जो ईरान की ऑफिशियल न्यूज़ वेबसाइट है इरना उस पर मैंने गाये बे देखा उसमें भी मतलब जो पहले अटैक के बाद यही था कि हमारे दहशत गर्द छुपे हुए थे अब हमने पहले शो में भी बात की थी पिछले हफ्ते के शो में भी आपने और मैंने कि जो अटैक किया था ईरान ने उसमें पाकिस्तान के अंदर बच्चे मार गए मारे गए जो मतलब दहशत गर्द उन्होंने कहा कि हमने मारे यहाँ और जो फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्द मारने का दावा किया था उसमें भी बच्चे और, और तो यह तो मतलब दोनों मुल्कों की पब्लिक का हाल था कि अपनी आवाम को जनता को खुश करने के लिए दहशतगर्द मारने का ऐलान किया इतनी बड़ी कार्रवाई की और दोनों तरफ बेचारे बच्चे मारे और ज्यादातर वो बलोच बच्चे थे इधर भी बलोच बच्चे थे उधर भी बलोच बच्चे थे अच्छा यह मतलब हुआ अब उसके बाद बहाल फिर पाकिस्तान ने उस की पोलिटिकल स्कोरिंग की इंटरनेशनल लेवल पर फौरी तौर पर अमरीका ने इवन सदर बाइडन जिनको पाकिस्तान का कुछ याद भी नहीं रहता एकदम से उनको याद आया कि ये देखिए ईरान ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की है तो ये बहुत बुरा किया तो एकदम उन्होंने भी अपना नेरेटिव छोड़ दिया फिर पाकिस्तान के लिए भी अच्छा था वो यूरोप को मगरब को बता सके कि देखिए जी हम तो ईरान के खिलाफ खड़े हो गए अब तो हमें पैसे दें अब तो हमारा साथ दें वो अपनी जगह पे लेकिन ईरान भी इस वक्त बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है ईरान भी प्रॉक्सीज़ कर रहा है सीरिया के अंदर भी स्ट्राइक किया इराक के अंदर भी स्ट्राइक किया आ, फिर ए, इन्होंने दावा किया कि हमने इराक के अंदर इजरायली स्पाय कोई सेल था उसको ख़त्म कर दिया ईरानियों ने कहा फिर इसराइलीओं ने ईरान के ऊपर यानी ईरानी जो फैले हुए इनके प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर अटैक किए लेबनान में भी और सीरिया में भी तो ये अब ईरान एकदम से पाकिस्तान का जो जवाबी हमला था मैं समझता हूँ कि शायद ईरान के लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि ईरान पाकिस्तान के अंदर आके कुछ ना कुछ इस तरह की कार्रवाइयां करता ही रहता था ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान ये करे पाकिस्तान के लिए मजबूरी थी एक तो मगरबी दुनिया की उनको बड़ी हमायत मिली एकदम से दूसरा ये हुआ कि वो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी फौज की काफ़ी कम हुई, हुई हुई है उसको भी मेनटेन करना था पॉपुलैरिटी को वापस लाना था तो वो उसमें कामयाब हुए दोनों तरह से पाकिस्तान ही कामयाब हुए फिर ईरान मतलब सीरिया इराक तो बहुत ही बुरी हालत वाले मुल्क हैं पाकिस्तान बारा जैसा भी उसका हाल है एक मिलिट्री ताकत ठीक ठाक है कम अज कम ईरान से लड़ने की हद तक या अपने बलोचों की लड़ने की हद तक एक ठीक ठाक बारह मिलिट्री पावर है पाकिस्तान तो ईरान ने महसूस किया कि ये तो भाई बात नहीं चलेगी अब पाकिस्तान में गुजत दस बारह रोज से ये प्रॉपागेंडा चल रहा था कि जी ईरान तो अल्टीमेटली हमारा बरदर इस्लामी मुल्क है और ये भारत की वजह से ना ईरान ने हरकत की है अब ईरान अपनी वेबसाइट पे ये हमेशा से कहता रहा वो कभी भारत कहीं बात नहीं करता क्योंकि भारत उसका पुराना दोस्त है कोई नई बात थोड़ी है लेकिन पाकिस्तान के भी साथ उनके जहाँ तलक़ा कशीदा रहते हैं वहाँ ठीक भी रहते हैं तो ईरान ने भी अब यही कहा अपनी न्यूज़ एजेंसी ने उनकी इरना ने यही कहा कि भाई बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्द तनजीमें जैशुल अदल जिनको वो दहशत गर्द कहते हैं कहते हैं कि इनकी मदद अमरीकी करते हैं वो भी मतलब भारत की नहीं बात कर रहे अभी भी जो पाकिस्तान के अंदर इनकी गुफ्तगू हुई है जो उनतीस जनवरी को दौरा था ईरानी वजीर खारजा का जिसमें वो एक ही दिन में मिले हैं वजे ख़ारजा पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा से फिर आ, मिस्टर आ, काकड़ जो वहाँ के निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर हाफिज आसमी साहब चीफ द आर्मी साफ पाकिस्तान एक ही वक्त में तीनों से मिले हैं तो उन्होंने इसमें कहा है कि ईरानी वजीर खारजा ने यह कहा है कि कोई तीसरा मुल्क जो है वो हम दोनों को आपस में लड़ाना चाहता है और वो तीसरा मुल्क जब ईरानी कहेंगे तो वो अमरीका है वो कभी भी भारत का नहीं कहेंगे ना वो, ना भारत है चूंकि उनके नज़दीक तो मरक बर अमरीका है अमरीका मुर्दाबाद वो तो ईरान का सुबह शाम से नारा है तो ईरान ये समझता है हमेशा से कि पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ होती हैं ईरान के खिलाफ वो अमरीकी मदद से होती हैं अब ईरान ये तो नहीं कहता कि वो पाकिस्तानी सरकार की मदद से करते हैं वो ये कहते थे, थे अमरीकी पैसा जाता है दहशत गर्दों को किसी भी राउट से तो ये अमरीकी कार्रवाइयाँ हैं तो ये इसी मसला पर बातचीत हुई है उनकी मुनीर साथ के साथ भी जो चीफ द आर्मी साहब हैं जाहिर है वो बातचीत क्या हुई है उसके अभी पाकिस्तान आई एस पी आर जो है पाकिस्तान का फ़ौज का जो प्रेस रिलीज़ जारी करने वाला इारा उसने वही सफारती ज़बान इस्तेमाल की है कि दोनों मुल्क आपस में अच्छे तल्लक रखेंगे जो हमारे कामन एनीमीज़ हैं उनके साथ हम मिल मुकाबला करेंगे उनके ख़िलाफ़ हम मिल मुकाबला करेंगे तो अब ज़ाहिर है जो कामन एनीमी उन दोनों का है भारत भी नहीं है भारत ईरान का एनीमी नहीं है पाकिस्तान का है अफग़ानिस्तान भी मतलब ईरान के साथ उनके रीज़नेबल तल्लक हैं तालिबान के इश्यूज़ भी हैं तालिबान के ईरान के साथ तो वो भी नहीं बनता अमेरिका पाकिस्तान का पाकिस्तान की रियासत की नज़र में एनिमी नहीं है और वैसे है भी नहीं जो पैसा ही दिया अमेरिका ने आज भी दे देता है डायरेक्टली एंड डायरेक्टली तो बड़ी ये पचीदा सूरत है लेकिन बहरहाल इन दोनों मुल्कों ने बैठ के ये तो बहरहाल ज़रूर तय किया कि भाई हम एफोर्ड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर ज़ाहरा ज़रीन अटैक करना छुप छुप के कर लिया करें ज़मीनी लेवल पर ये एयर स्ट्राइक्स नहीं करेंगे तो वह हम कोई कॉमन ऑपरेशन करेंगे टेररिस्टों के ख़िलाफ़ जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के नो लैंड सॉर्ट ऑफ एरियाज हैं या लॉलेस एरियाज़ हैं तो बस ये मुलाकात ऑप्टिक्स में है तल्लक बहाल हो गए हैं दोनों मुल्कों के बयानबाजी हो गई है इश्यूज वैसे के वैसे रहेंगे जैसे हैं चलिए अब इस पूरी गर्मा गर्म सूरत हाल में इलेक्शंस की गर्मी की तरफ चलते हैं क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस 8 फरवरी को हो पाएंगे और क्या ये इलेक्शन अगर ये हो गए तो क्या ये साफ और शफाफ जैसा कि आइडियलाइज किया जा रहा है या किया जाता है हो पाएंगे यानी कि डेमोक्रेसी होगी या क्या होगा देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन आठ फरवरी को हो ही पाएंगे इसलिए कि आठ फरवरी तो बिल्कुल सर पे मतलब तो एक तरह से राउंड द कॉर्नर वाली बात है अब आठ दस दिन रह गए और अब इलेक्शन को पोस्टपोन करने का कोई बहाना या कोई सीन तो नज़र नहीं आता लगता यही है कि आठ फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे अब सवाल यह कि साफ शफा पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन शायद एक दो दफा हुए हैं अब, अब लेकिन वो मतलब ये इलेक्शन तो होने से पहले ही पत, पता पता चल रहा है कि जिस तरह पीटीआई के लोगों की पकड़ दखड़ चल रही है या उनकी रैलीस निकालने पे जिस तरह पाबंदियाँ लग रही हैं ये फिर जो आ, फिर पीटीआई की अपनी भी बहुत पॉलिटिकल गलतियाँ है, हैं बहुत इश्यूज हैं उन, उनका भी बहुत मैस है अब पी को पाकिस्तान आर्मी ने ही इस्टैब्लिश किया था पाकिस्तान आर्मी ही इसको या तो वाइंड अप कर रही है या एटलीस्ट इसकी शकल बदल रही है वाइंड अप तो खैर नहीं होगा शक्ल बदल रही है तो साफ शफाफ इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने की बात तो दूर की बात है उसका जो साफ शफाफ माहौल बनाना होता है वो तो बिल्कुल नहीं है जमूर जो है वो काफ़ी <laughs> ना ियत की हाँ वो ऐसा <laughs> ही रूटीन में है वहां पे तो पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि ये ये इलेक्शंस खैर से से हो हो यही बड़ी बात है इसमें वायलेंस कम से कम हो। मैं उम्मीद तो नहीं रखता कि वायलेंस नहीं होगा सैडली अनफॉर्चुनेटली वायलेंस होता नजर आ रहा है तो आम इलेक्शन में वहां हो जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो इसमें तो जरा सूरत थोड़ी खराब है कुछ ना कुछ वायलेंस हम एंटीसिपेट कर सकते हैं लेकिन इलेक्शन देखिए ये जो 2018 का इमरान खान जिसमें आया था उस वो मोस्ट रेगेड इलेक्शन था इम, जिस तरह इमरान को लाए थे लेकिन चूंकि आर्मी के फुल कंट्रोल में था तो वो कोई वायलेंस भी कुछ ज्यादा नहीं हो पाया था थोड़े बहुत वहां पे कुछ पोलिंग स्टेशन में तो हैर हो ही जाता है तो वो काफ़ी कंट्रोल था अब भी कंट्रोल ही मुझे नजर आता है उस इलेक्शन में तो ये तक अतलात आई कि डब्बे तक आर्मी ने भरे वो जो इन वोटों के डब्बे होते हैं अब इस इलेक्शन में शायद ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा इस इलेक्शन में फजा ऐसी बना दी गई है कि पीटीआई के वोटर्स रिलेटिवली कम निकलें अगर वो निकलें भी वोट डालने के लिए तो वो इतने कंफ्यूज हों क्योंकि उनका जो इंतहाबी निशान है बल्ला वो उनके पास नहीं है अच्छा इस बल्ला सिर्फ़ स्टेट ने कोई प्लानिंग से नहीं छीना उसमें खुद पीटीआई के लोगों की गलतियाँ भी हैं कि उन्होंने स्टेट को तशतरी में डाल के ये ऑफर पेश की कि भई हम इतने ब्लंडर कर रहे हैं कि आप हमसे हमारा बल्ला छीन लें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन डे, दिया वो बड़ा लॉजिकल डिसीजन था ऐसी बात नहीं है कि वो उन्होंने सिर्फ आर्मी के कहने पर ही बल्ला छीना है अब ये बलंडर ऐसे कर रहे थे कि वही कुछ हुआ जो इस वक्त आर्मी चाहती है तो इसलिए अब वहाँ पे इलेक्शन की फजा इस वक्त ऐसी बन चुकी है जो साफ शफाफ इलेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं है हमवार और फिर ये अब इलेक्शन तक रैलियों पे जिस तरह पाबंदी चलेगी पकड़ दकड़ोगी जिस तरह डराया धमकाया जाएगा फिर ये पीटीआई के कुछ लोग जो इलेक्शन जीत जाएंगे आ, वो जीतेंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से तो उनको इधर उधर करना भी आसान हो जाएगा तो बड़ी अच्छी प्लानिंग की है पाकिस्तान की आर्मी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि शायद हमें डब्बे भरने आ, की इस्तीफ़ा नौबत ना आए या शायद टेक्निकली मुश्किल है तो हम इस तरह की सिचुएशन बना दें कि भई इनके के पी टी आई के लोग ही आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्ट हों जहाँ कहीं भी होंगे ऐसा नहीं है कि इनके ही इलेक्ट होंगे सिर्फ जैसा इनका ख्याल तक हमारी बड़ी अक्सरीत है ऐसी बात भी नहीं है अभी इनके इमरान ख़ान की कॉल पर जो प्रोटेस्ट हुए हैं इक्का दुका लोग नज़र आए हैं तो बहरहाल कुछ ऐसी राइडिंग्स हैं जहाँ पे पीटीआई की मकबूलियत है जहाँ से पीटीआई जीतेगी मगर वो जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनके पास सहूलत होगी वो जो है ना फ्लोर क्रॉसिंग का पाकिस्तान में बिल है कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते आप नाहल हो जाएंगे लेकिन चूंकि ये एक पार्टी के नहीं होंगे ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही इलेक्ट होंगे तो इसलिए फिर आर्मी जिस को चाहेगी कान पकड़ के जिस तरफ धकेलना होगा वो उसको धकेल देंगे और जिस तरह की हुकूमत आर्मी बनाना चाहेगी उसमें बनाने में कामयाब हो जाएगी यानी एक नया फार्मूला जो है वो नई उसके ऊपर ट्राई किया जा रहा है आज का बिला शो ताहिर और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.